झारखंड के चौथे लेजर थेरेपी मेडिकल यूनिट की शुरुआत गिरिडीह के गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में की गई है। इससे पहले रांची के 3 अस्पतालों में इसकी सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब गिरिडीह जैसे छोटे शहरों में भी इसकी सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। बताया गया कि बरगंडा स्थित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में डॉक्टर विकास लाल की देखरेख में इस तकनीक का संचालन हो रहा है। गौरतलब है कि डॉक्टर विकास लाल जनरल सर्जन होने के साथ साथ प्रख्यात यूरोलॉजिस्ट और लेजर सर्जन भी हैं। इनके द्वारा यहां लेजर मशीन से पाइल्स, भगंदर, फिशर्स, पाइलोनाइडल, साइनस आदि का ऑपरेशन प्रारंभ कराया गया है। इस बाबत डॉक्टर विकास लाल ने कहा कि लेजर ऑपरेशन के कई फायदे हैं। इस तकनीक से बिना चीरफाड़ के मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है, वहीं इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। ऑपरेशन के बाद कम से कम तकलीफ होती है। किसी भी पारंपरिक इलाज से यह तकनीक बेहद प्रभावी और गुणकारी है। बताया कि कम से कम समय में मरीज वापस अपने काम में लौट सकता है। कुल मिलाकर लेजर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाने से गिरिडीह के मरीजों के लिए कई तरह की समस्याएं समाप्त हो गई है। गिरिडीह में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में लेजर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये लेजर से हम आपका पाइल्स, बवासीर, फिस्चुला, भगंदर और पाइलोनाइडल साइनस हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। और पहले मरीजों को चीरफाड़ का ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन लेजर की सुविधा होने के कारण मरीजों को अब ज़्यादा चीरफाड़ की ज़रूरत नहीं है और मरीज दूसरे दिन ही घर चला जाएगा। कुछ मरीज तो शाम को भी ऑपरेशन के बाद घर जा सकते हैं और दूसरे दिन ही अपना काम करने लग सकते हैं। पहले क्या होता था कि जब चीरफाड़ होती थी तो मरीजों को 15 दिन तक बेड रेस्ट करना पड़ता था, उनके कार्य में बाधा आती थी, लेकिन लेजर सुविधा उपलब्ध होने के कारण अब ये सब उनको ये बाधा नहीं आनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेजर सुविधा पूरे झारखंड में केवल 4 जगह ही है, 3 रांची में है और 4th गिरिडीह में है उपलब्ध किया गया है। ये मशीन पोलैंड की है और काफ़ी कम खर्चों में हम लोग लेजर सर्जरी यहाँ से कर रहे हैं। जैसा कि 3 रांची में और 4th आपका गिरिडीह में है, तो आपका ये मन कैसे बना कि लेजर तकनीक को यहाँ पर लाना चाहिए? क्योंकि मैंने काफ़ी ऑपरेशन किया है पाइल्स का, लेकिन उसके बाद मालूम चलता था कि मरीजों को काफ़ी दर्द हो सहना पड़ता था और बैठ के घर में अपना कार्य बाधा होती थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, मरीजों के फायदे के लिए और समय के साथ हमें अपना डेवलपमेंट भी करना ज़रूरी है। नई नई मशीनें अगर नहीं लगाएंगे तो लोग कैसे जानेंगे? और इसके खर्च भी लगभग खर्च में 15,000 से 25,000 का खर्च आता है इसमें। जो नॉर्मल भी पहले ऑपरेशन करते थे उसमें भी 15 से 20,000 लोगों को खर्च आता था, लेकिन लेजर से मैं अभी फ़िलहाल कम खर्च में कर रहा हूँ ताकि यहाँ के लोगों को उनके हिसाब से देखते हुए, उनको बजट देखते हुए मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। यानी कि खर्च में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है? ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, आराम बहुत है और घर जाके अपना 2 दिन बाद अपना कार में भी बाधा नहीं रहेगी इनके करने के बाद।